दिन था 3 मई 2023 का और जगह थी हमारे भारत का मणिपुर राज्य। और इसी राज्य के अंदर एक व्हाट्सएप मैसेज बहुत तेजी से वायरल होने लगा। और जैसे जैसे लोगों ने वो व्हाट्सएप मैसेज देखा, तब वहां पर मौजूद एक समुदाय के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा फूट गया। बेशक वो गुस्सा नया नया नहीं था, कुछ दिनों से चलता आ रहा था, लेकिन उस व्हाट्सएप पर हुए वायरल मैसेज ने उस गुस्से को एक चिंगारी लगा दी और जिससे ऐसी आग भड़की जो ना सिर्फ पूरे देश में लगी बल्कि आज पूरी दुनिया के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है। क्यों होना पड़ रहा है, सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में। आखिर हमारे मणिपुर राज्य में क्या हो रहा है। इससे पहले कि मैं आपको प्रॉपर केस बताऊं, ऑब्वियसली मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा हटके बात करना चाहता हूं। मैं अपनी मेन स्ट्रीम से हटकर आप सभी के सामने एक रियलिटी रखना चाह रहा हूं, और रियलिटी है हमारे देश के चौथे सबसे बड़े स्तंभ की। जी हाँ, जिसे आज हम मीडिया के नाम से भी जानते हैं, सभी न्यूज चैनल्स। मैं किसी एक को नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ, ये सभी न्यूज चैनल्स कुछ ऐसे बन चुके हैं जिसके ऊपर सिर्फ वही चीज दिखाई जाती है जो प्रॉपरली अननेसेसरी हो, जिसको देखकर ना ही आप यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे, जिसको देखकर आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। सिर्फ हाँ, आपको हो सकता है मजा जरूर आए, क्योंकि आजकल के लोगों को औरों की जिंदगी में झांकने का बहुत शौक चढ़ चुका है। खैर, मैं यहां पर बात कर रहा हूं न्यूज चैनल्स की। एक न्यूज चैनल का काम क्या होता है, एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी को अपने कैमरों के अंदर कैद करके और उसकी ऑडियो और विजुअल्स आप तक पहुंचाना, ताकि आप उसके बारे में जान सकें कि आखिर देश के अंदर क्या हो रहा है। इसके बदले वो अपने चैनल्स के ऊपर बड़े बड़े प्रोडक्ट्स की एड वगैरह दिखाते हैं, और ऑब्वियसली उनसे उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन क्या सच में जो न्यूज आपको दिखाई जाती है वो सच में काम की भी होती है या नहीं, इस बात को यहीं से आप देख लीजिए कि पिछले तकरीबन 20 या 25 दिनों से हमारे देश के हर एक न्यूज चैनल के ऊपर एक ही खबर चल रही है, देश की भाभी सीमा भाभी। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियसली वो भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा ही है, क्या पता वो क्या है, लेकिन वो काम एटीएस करेगी, वो काम हमारी खुफिया एजेंसीज करेंगी, ना कि ये न्यूज चैनल्स वाले। सीमा ने क्या खाया, सीमा कहां पर है, सीमा बीमार है, सीमा कहां पर गई, सीमा से पुलिस ने क्या पूछा, सीमा कहां से आई थी, सीमा की पुरानी जिंदगी क्या थी, सीमा का पुराना पति क्या था, ये सब कुछ जानकारी जुटाना आई थिंक ये न्यूज चैनल्स वालों का काम नहीं है। मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था इन सब चीजों से। आप खुद इस चीज का अंदाजा लगा लीजिए कि लोगों के अंदर कैसी मेंटालिटी हो चुकी है कि वो ये सब चीजें देखना पसंद भी करते हैं, औरों के घरों के अंदर झांकना पसंद करते हैं, और इसी चीज का फायदा उठाते हैं ये न्यूज मीडिया वाले। जी हाँ, किस हद तक ये न्यूज मीडिया वाले गिर चुके हैं उसका अंदाजा आप बस यहां से लगाइए कि सीमा ने पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में जाकर शादी की थी या नहीं की थी। ऑब्वियसली ये काम ना ही न्यूज मीडिया वालों का है, ना ही आपका है, ना ही मेरा है, ये काम बस खुफिया एजेंसीज का है जो कि देश की सुरक्षा के लिए काम करती हैं। लेकिन इन न्यूज मीडिया वालों को कुछ ज्यादा ही आग रहती है ये जाकर देखने की कि क्या सच में उसने शादी करी थी। और लिटरली मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, और न्यूज मीडिया वाले, न्यूज चैनल्स वाले पहुंचे पशुपतिनाथ मंदिर में और वहां जाकर पुजारी जी का इंटरव्यू लेने लगे कि हाँ बताओ भाई, ये लड़की, इस लड़के ने शादी करी थी या नहीं करी थी, यहां पर आपको क्या लेना है, आपका उसे घर चल जाएगा क्या। ऑब्वियसली उनका तो चल रहा है, लेकिन मैं आप सभी से पूछ रहा हूं जो कि उन न्यूज मीडिया को देख रहे हैं, उन्होंने शादी करी थी या नहीं करी थी, इससे आपको क्या मिलेगा, क्या आपको जानकारी मिलेगी इससे। देश में एक लड़की पाकिस्तान से भाग कर आई है, औरत कहूंगा मैं उसे, औरत वो भाग कर आई है बच्चों के समेत, वो सारा कुछ तामझाम देखना सुरक्षा एजेंसीज का काम है, आपका जो काम है वो आप करिए, लेकिन इस चीज के ऊपर कोई बोलता ही नहीं, क्योंकि सभी को मजा आता है ऐसी चटपटी खबरों को देखने में, और इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं ये न्यूज मीडिया वाले। कैसे मोदी जी के दौरे के ऊपर सारे के सारे न्यूज मीडिया वालों ने अपने अपने प्राइवेट जेट्स तक बुक करवा डाले कि हाँ उनके पीछे पीछे जाएंगे, वो जहां जहां जाएंगे हम उनके पीछे पीछे भगेंगे, कहां उन्होंने हाथ मिलाया है, किससे हाथ मिलाया है, कहां उन्होंने पानी पिया है, कहां उन्होंने मीटिंग करी है, ऑब्वियसली दिखाओ, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है आपके देश में क्या चल रहा है, अगर वही नहीं दिखाएंगे तो एक दिन खड़ा फूटेगा। अति का अंत होता है, और यही अति का अंत हुआ। सभी के सभी न्यूज मीडिया वालों के ऊपर एक बहुत ही जोरदार थप्पड़ लगाया गया प्रिंट मीडिया द्वारा। जी हाँ, प्रिंट मीडिया वो होती है जिसे आप लोग पढ़ते हैं, ब्लॉग्स वगैरह, अखबार वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह, वो होती है प्रिंट मीडिया। और ऐसे ही द प्रिंट मीडिया ने 19 जुलाई 2023 के दिन रात को तकरीबन 8:45 या फिर 9 बजे के आसपास एक आर्टिकल पोस्ट किया
एक्चुअल में मैं आपको कहूं तो ये आर्टिकल 12 जुलाई को ही पोस्ट किया जा चुका था, वो एक अलग मीडिया द्वारा किया गया था, लेकिन जहां से हाइप बननी शुरू हुई वो हाइप बनी 19 जुलाई 2023 के दिन रात को 9 बजे से। और एग्जैक्टली ये 9 बजे वाला टाइम प्राइम टाइम होता है। क्या होता है प्राइम टाइम? जिस टाइम पर आप लोग खाना वाना खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल वगैरह यूज करते हैं अपने बेड पे लेटकर, मोस्टली लोगों का फ्री टाइम होता है वो टीवी वगैरह देखते हैं, और टीवी पर खासकर समझदार लोग न्यूज वगैरह देखना पसंद करते हैं। और उस टाइम पर न्यूज में ये दिखाया जा रहा था कि आखिर पिछले 20 घंटों से सीमा ने क्या खाया है, सीमा है कहां पर, हैदर कहां पर है, सचिन कहां पर है, ये दोनों कहां पर है, इन दोनों ने कुछ कर तो नहीं दिया, क्या इन दोनों का कत्ल हो गया है, क्या सीमा ने सचिन को मार डाला, क्या सचिन ने सीमा को मार डाला। और एग्जैक्टली इसी 9 बजे के टाइम फ्रेम पर एक आर्टिकल पोस्ट हुआ, और उस आर्टिकल के अंदर एक्चुअल में जो ग्राउंड रियलिटी थी, जिसके अंदर आपको एक वीडियो दिखाई गई थी, उस वीडियो के बारे में भी हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि आखिर ये सब कुछ कैसे वहां फूटा। लेकिन उससे पहले मैं जो भरा हुआ हूं अंदर से वो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। तो एक्चुअल में वो आर्टिकल जैसे ही पोस्ट हुआ, उस टाइम पर जो भी ये शोज चल रहे थे इनको कोई आइडिया नहीं था कि ये इतना बड़ा बन जाएगा। क्यों? इनको तो टीआरपी खानी थी, इनको तो जस्ट पैसा चाहिए था सीमा हैदर की न्यूज़ से। और जैसे ही आर्टिकल पोस्ट हुआ, उसी टाइम पर इन सभी के अंदर आग लग गई कि ओ हो, हम तो यहां तक पहुंच नहीं पाए और ये प्रिंट मीडिया वाले पहुंच गए। इनके अंदर हमेशा एक कॉम्पिटिशन चलता है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और एक्चुअल में प्रिंट मीडिया आज भी कहीं ना कहीं हमारे लिए कारगर है, लेकिन ये जो विजुअल मीडिया आ चुका है ये तो बर्बाद हो चुका है, लिटरली पूरी तरीके से बर्बाद है। और अब हम चलते हैं हमारे केस की तरफ, और केस ऐसा कुछ कि लिटरली आपको रोना आ जाएगा। रोना मुझे भी आया जब मैंने पिछले 3 दिनों से इसके बारे में पढ़ा। तो इससे पहले कि मैं आपको केस समझाऊं, उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा मणिपुर राज्य आखिर है कैसा, इसकी डेमोग्राफिक्स क्या है, इसकी ज्योग्राफिक्स क्या है। तो ज्योग्राफी की अगर बात करें तो असल में मणिपुर राज्य है चारों तरफ से, मतलब कि इसके जो बाउंड्रीज हैं और काफी अंदर तक भी, ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। और इसके बीच में जो कि प्लेन इलाका है, जो कि हम कह सकते हैं सपाट इलाका है, जहां पर मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल भी मौजूद है, वो सारा राज्य सपाट है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक कटोरे जैसा कुछ बन जाता है, ऊपर पहाड़ चारों तरफ और बीच में ये सपाट। तो इसी सपाट और इन पहाड़ी इलाकों में वहां के जो लोकल लोग रहते हैं वो मेजरली 3 हिस्सों में बटे हुए हैं, 3 समुदायों में बटे हुए हैं। जो बीच में रहते हैं यानी कि जो सपाट इलाकों पर लोग रह रहे हैं वहां पर, उनको आज हम मैतई समुदाय के नाम से जानते हैं। दूसरा, जो इन पहाड़ों पर बसे हुए हैं उन्हें आज हम कुकी और नागा समुदाय के नाम से जानते हैं। अब आपको समझ आ गया कि जो लोग पहाड़ों पर बसे हुए हैं वो कुकी और नागा हैं इस पूरे मणिपुर राज्य के अंदर, और जो बीच में मौजूद हैं वो सारे मैतई लोग हैं। तो एक्चुअल में जो दिक्कत शुरू हुई ये काफी टाइम पहले से शुरू हो चुकी थी, और वो दिक्कत ये थी कि जो मैतई लोग हैं इनको वहां पर आरक्षण नहीं मिला हुआ था अभी तक, तो शायद अभी भी नहीं मिला, लेकिन इन्होंने अपनी आरक्षण की लड़ाई लड़ी और काफी सारे ऐसे संगठन बने जो पिछले काफी लंबे टाइम से इस बात के लिए लड़ते आ रहे हैं कि उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण किसमें? उनको भी पिछड़ा वर्ग आयोग में शामिल किया जाए। साथ ही वहां पर जो जमीन का अधिकार है वो ये कि ये जो मैतई लोग हैं वो सिर्फ अपने इलाके के अंदर रहते हुए ही जमीन खरीद सकते हैं, और अगर वो पहाड़ों पर जमीन खरीदना चाहें तो वो वहां पर नहीं ले सकते। और इसी बात के लिए ये मैतई लोग आज तक लड़ते आ रहे थे कि हमें भी पहाड़ों के ऊपर जमीन खरीदनी है, हमें भी अपनी समुदाय को आगे फैलाना है। अब दिक्कत यहां पर ये शुरू हुई कि जो कुकी और नागा जो ऊपर इस पहाड़ों पर बसे हुए थे, जिनका राज था इस पहाड़ों के ऊपर, वो लोग इन बातों से भड़क गए कि आखिर ये मैतई लोग क्यों ऊपर आना चाह रहे हैं, अगर ये ऊपर आ गए तो वो हमें धीरे 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 कर खा जाएंगे। क्यों खा जाएंगे? क्योंकि यहाँ मणिपुर राज्य के अंदर मैतई समुदाय की जनसंख्या तकरीबन 55-60% की है, और बाकी जितने भी ट्राइब्स बसे हुए हैं वहां पर जो पिछड़ा वर्ग में आते हैं वो सारे थोड़े 10-15% हैं। अब ऑब्वियसली कुकी और नागा के बीच में डर बना हुआ था कि अगर ये ऊपर आए तो हम निपट जाएंगे। और जैसे ही मार्च के एंडिंग में हाईकोर्ट का ये ऑर्डर आया कि हाँ हम इस बिल को पास करते हैं कि मैतई समुदाय को भी उस आरक्षित वर्ग में शामिल किया जाए और ये भी पहाड़ों के ऊपर जमीन ले सकते थे, अब जैसे ये ऑर्डर आया तो ऑब्वियसली जो ऊपर लोग बसे हुए थे उनके अंदर गुस्सा फूट गया और उन्होंने आंदोलन करने की तैयारी शुरू करी। और अंदर ही अंदर बातें फैलती जा रही थी कि हम शांत आंदोलन करेंगे, हम ऐसे तरीके से आंदोलन करेंगे, हम रैलियां करेंगे, हम सरकार का विरोध करेंगे। अब तक सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर गुपचुप भी काफ़ी समुदायों के बीच में चल रही थी, काफ़ी सारे संगठनों के बीच में चल रही थी। और तभी दिन आया 3 मई 2023 का। ये वो दिन था जब वहाँ मणिपुर के अंदर एक व्हाट्सएप पर
फोटो वायरल हुई और ये फोटो सीधा पहुंची मैतई समुदाय के लोगों में। जी हाँ, 55-60% लोगों के मोबाइल फोन में वो फोटोज पहुंच चुकी थी। अब तक वहां इंटरनेट डिसेबल नहीं किया गया था और जैसे ही वो फोटो पहुंची, उस फोटो को देखकर वो पूरा का पूरा समुदाय बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। एक्चुअल में जो फोटो थी उसके अंदर एक महिला की, एक लड़की की लाश दिखाई गई थी जिसको पॉलीथीन के अंदर लपेट कर वहां डंप किया गया था। और इस फोटो के साथ व्हाट्सएप मैसेज में लिखा गया था कि मैतई समुदाय की एक लड़की को कुकी और नागा समुदाय के लोगों ने मिलकर बहुत गंदी तरीके से मार डाला है, उसकी हत्या कर दी गई है और हत्या करने के बाद उसकी लाश को पॉलीथीन के अंदर लपेट कर ऐसे ही डंप किया गया है। अब जैसे ये मैसेज मैतई समुदाय के लोगों ने अपने फोन के अंदर देखा तो उनके अंदर ये आग लग गई कि ओहो हो, हमारे समुदाय की लड़की के साथ ऐसा कुछ कर दिया। तो यहीं से शुरू हुई एक बहुत ही गंदी बदले की भावना। मैतई समुदाय के अलग अलग संगठनों ने बिल्कुल भी सोचा ही नहीं, इस बात को वेरीफाई करना भी जरूरी नहीं समझा कि जो फोटोज और जो मैसेज उनको दिखाया जा रहा है व्हाट्सएप के ऊपर उसके अंदर कितनी सच्चाई है। और जब मैंने उस व्हाट्सएप मैसेज के बारे में पीछे जाकर देखा तो मुझे पता चला कि वो फोटो मणिपुर की थी ही नहीं जो वहां पर घुमाई जा रही थी, वो फोटो असल में दिल्ली की थी और उस दिल्ली की लड़की की हत्या की गई थी, वो भी ऑनर किलिंग, क्योंकि उसने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी और उसकी हत्या करके उसको थैली में लपेटकर डंप किया गया था। और वही फोटो यहां पर मणिपुर में वायरल हो रही थी ये बोलकर कि मैतई समुदाय की लड़की के साथ ऐसा कुछ किया गया था। खैर, अब आपको ये तो समझ आ गया कि सब कुछ जो भी हुआ, जो अभी आप देख रहे हैं, ये सारा कुछ एक फेक न्यूज की वजह से स्टार्ट हुआ था। एक फेक न्यूज ने वहां चिंगारी लगाई और यहां आग भड़क गई। आग भड़की कुछ ऐसी कि यहाँ 4 मई 2023 का दिन आ चुका था। मैं अपनी तरफ से यहाँ पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ विक्टिम्स की पहचान को मैं जितना हो सके उतना छुपा सकूँ, इसलिए मैं आपको उनके वो गांव का भी नाम नहीं बता पाऊँगा। ऑब्वियसली अगर आपको चाहिए तो आप जाकर देख भी सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ खुलकर सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन मैं नहीं बता सकता। तो यहाँ वो जैसे ही मैसेज वायरल हुआ तो 4 मई 2023 का दिन आ चुका था और सुबह सुबह ही मैतई समुदाय के लोग आपस में इकट्ठा हो चुके थे। अलग अलग संगठनों ने बहुत अर्जेंट में मीटिंग बुलाई और ऐसे ही एक गांव के अंदर भी मीटिंग बुलाई गई थी मैतई समुदाय के लोगों की। और उस मीटिंग के अंदर डिस्कस किया गया कि ये मैतई समुदाय की लड़की के साथ जो हुआ है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और इसका बदला हमें तुरंत लेना पड़ेगा। अब जैसे ही वहां के नौजवान युवकों ने, जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार मान रहे थे और जो वो करने वाले थे उसके अंदर वो अपना बहुत ज़्यादा बड़प्पन समझ रहे थे, उसके अंदर बढ़ चढ़कर भाग लिया और कहा कि हाँ हाँ बताओ बताओ क्या करना है, हम सभी इस चीज़ के लिए तैयार हैं। और तकरीबन 900 से लेकर 1000 से भी ज़्यादा लोग, अब आप सोच कर देखिए कितनी भीड़ हो जाती होगी, 1000 लोगों की भीड़ कोई थोड़ी नहीं होती और किसी भी गाँव को तबाह करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली इसी संख्या में वहाँ पर लोग दोपहर के टाइम पर इकट्ठा हुए और दिक्कत यहाँ पर सिर्फ ये थी कि सारे के सारे लोग हथियारबंद थे। इनके पास वो सारी असोल्ट राइफल्स जो कि आप अभी तक पबजी गेम में खेलते आए होंगे, वो सारे की सारी असोल्ट राइफल्स इनके पास थी। इनके पास कुल्हाड़ी थी, इनके पास बिंडे वगैरह थे। तो प्रॉपर पूरे तरीके से हथियारबंद होकर ये सारे के सारे लोग वहाँ मणिपुर के एक गांव के अंदर घुसे और एक्चुअल में ये वहाँ कुकी समुदाय के एक गांव में घुसे थे जो कि बॉर्डर पर ही मौजूद था। इनके मैतई और कुकी के बॉर्डर पर जो सबसे पहला गांव था ये उसी गांव के अंदर घुसे और जैसे ही इतने सारे लोगों को कुकी समुदाय के लोगों ने आता हुआ देखा तो सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा डर गए। वो सारे के सारे अपने घरों में घुस गए, अंदर से उन्होंने दरवाजे लॉक कर लिए क्योंकि सब अपने आप को सेफ फील करवाना चाह रहे थे। लेकिन ये जो मैतई समुदाय के लोग इतनी बड़ी संख्या में अंदर घुसे थे तो ऑब्वियसली इनके लिए कोई दरवाज़ा तोड़ना बड़ी बात नहीं थी। तो इन्होंने वहां पर दंगे करने शुरू कर दिए। वहां पर सबसे पहले प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया, जो कच्चे घर थे उनको सोच कर देखिए आप कुल्हाड़ियों से ही तोड़ दिया गया, जो घर के अंदर लोग मौजूद थे उनको बाहर निकाल निकाल कर फेंक दिया गया, जो बेचारों का सामान था छोटा मोटा सामान उसको बाहर डंप किया गया और जो वैल्यूएबल चीज थी वो अपने साथ उन्होंने उठा ली ताकि वो उनके आगे काम आ सके। ये लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग एक ऐसे परिवार के घर में पहुंचे जिसके अंदर टोटल 5 लोग मौजूद थे। 56 साल के एक परिवार के मुखिया, उसके अलावा उनकी पत्नी जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल के आसपास थी, उनका बेटा, उनकी बेटी और 2 और महिलाएं जो कि इसी परिवार में मौजूद थी उस टाइम पर। मैं इस बात को लेकर यहां श्योर नहीं हूं कि वो जो लड़का मौजूद था इस घर के अंदर एग्जैक्टली जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि वो बेटा था या फिर रिश्तेदार था वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इस घर के अंदर मौजूद था। तो जैसे ही ये सारे के सारे मैतई समुदाय की भीड़ आगे बढ़ते बढ़ते इस घर में पहुंची और उन्होंने जैसे ही देखा तो यहाँ इस घर के अंदर मौजूद कुकी समुदाय के लोगों ने जैसे ही देखा कि घर की तरफ उनकी भीड़ आ रही है
तो वो बहुत ज़्यादा डर गए। तो ये 6 के 6 लोग अपने घर से बाहर की तरफ भागने लगे और वो पीछे उनके जंगल में जो था उनको पता था वहाँ का लोकल रास्ता, तो वो अपने घर से बाहर निकल कर सीधा उस जंगल की तरफ भागने लगे, क्योंकि उनको अच्छे से अंदाजा था कि अगर वो इनके हाथ लग गए तो ये इनको नहीं बख्शेंगे, क्योंकि वो पीछे से ही लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मार पिटाई करते हुए आ रहे थे और ऐसा ये परिवार अपने साथ होना नहीं देना चाह रहा था। अब जैसे ये 5-6 लोग जंगल की तरफ भाग रहे थे, तब इन्हें सामने से पुलिस वालों की एक टीम खड़ी हुई दिखाई दी, जिन्हें देखकर इन 5 लोगों ने बहुत ज़्यादा राहत की सांस ली कि हाँ भाई अब तो पुलिस वाले उनके साथ हैं, जो भी लोग पीछे उनके आ रहे हैं ये तो एटलीस्ट उनके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये सीधा के सीधा 5-6 लोग उन पुलिस वालों के पास गए और कहा कि हमारी मदद करो, हमारे पीछे ऐसे ऐसे वो लोग पड़े हुए हैं और पूरे गांव के अंदर वो घुस चुके हैं और सभी के साथ ऐसे मार पिटाई कर रहे हैं, वो किसी को भी नहीं बख्श रहे। और पुलिस वालों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं, तुम वहां पर सुरक्षित रहोगे। पुलिस वाले उस टाइम तक तो अपनी ड्यूटी सही से निभा रहे थे, लेकिन जैसे ये 5-6 लोग उन पुलिस वालों के साथ चलने लगे और अभी चलते चलते पुलिस स्टेशन तकरीबन 2 किलोमीटर और दूर था, तभी यहाँ सामने से वही मैतई समुदाय की जो लोगों की भीड़ थी, 800 से 900 लोगों की भीड़, उनको वो सामने से आती हुई दिखाई दी। और जैसे ही इस भीड़ ने इन परिवार को उन पुलिस वालों के साथ देखा, ये भीड़ वापस भड़क गई और सीधा उन परिवार वालों के ऊपर हमला कर दिया। वो पुलिस वाले जो थे उनको साइड करवा दिया। सोच कर देखिए आप कितने इनकी हिम्मत बढ़ चुकी थी कि पुलिस वालों को भी उन्होंने कुछ नहीं समझा, जस्ट उनको भी साइड किया, उनके हाथ से ये 5-6 लोग अपने हवाले करवा लिए और आगे बहुत बहुत ज़्यादा भयंकर काम होने वाला था। आगे की डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा ग्राफिक है, अगर आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिएगा। खैर जैसे ये 5-6 लोग इस परिवार के हत्थे चढ़े, तो यहाँ दिक्कत ये हुई कि इनमें 3 महिलाएं भी शामिल थी। हाँ टोटल 5 लोग शामिल थे, सॉरी मैं आपको इतनी देर से 6 लोग बोलता आ रहा था, सॉरी 5 लोग शामिल थे। तो जैसे ये 5 लोग इस भीड़ के हत्थे चढ़े, इन भीड़ ने इन 5 को बे इंतहा पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके पास सभी के पास हथियार थे ऑब्वियसली, लेकिन इन्होंने किसी के ऊपर भी गोली नहीं चलाई थी, जस्ट वो उनके साथ हाथापाई कर रहे थे, लठ वगैरह मार रहे थे, इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं हुआ था। लेकिन तभी इस भीड़ के अंदर जो नौजवान युवक थे, जो वहां की इस पूरे भीड़ की स्ट्रेंथ थे, वो सामने आए और उन्होंने मेनली इनमें से महिलाओं को टारगेट करना शुरू कर दिया। सोच कर देखिए आप, एक पूरा परिवार, उसके अंदर 3 महिलाएं 2 पुरुष, उनके सामने ही महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। इन 2 बाप और बेटा के सामने ही महिला, उनकी ही घर की महिलाओं के ऊपर बेरहमी से उनके साथ मार पिटाई की जा रही थी और ये मार पिटाई अब बहुत ज़्यादा बेकाबू हो चुकी थी। अब इन मैतई समुदाय के लोगों ने अपनी बहादुरी दिखानी शुरू करी, सो कॉल्ड बहादुरी, और वो बहादुरी इन महिलाओं के कपड़ों से शुरू हुई। जी हाँ, सबसे पहले जैसे ही ये लोग इन महिलाओं के कपड़ों को फाड़ रहे थे, उसी टाइम पर ऑब्वियसली कोई भी पुरुष अपने घर की महिलाओं के साथ ऐसा कुछ होता हुआ कभी नहीं देख पाएगा, और वो बाप और बेटा जो इस परिवार के साथ मौजूद थे वो भी नहीं देख पा रहे थे। यहाँ पिता ने विरोध करना शुरू किया और जैसे ही विरोध किया, यहाँ तुरंत उस भीड़ ने उस पिता की इन बच्चों के सामने, इस महिलाओं के सामने, साथ ही उसके बेटे के सामने ही हत्या कर दी, मार मार कर उसे वहीं मार डाला, वहीं उसकी जान ले ली। जैसे ही ये काम हुआ, ये बाकी के जो 4 लोग बचे हुए थे बहुत ज़्यादा डर गए। ऑब्वियसली यहाँ डर बनता भी था, क्योंकि जिस बेरहमी से इस परिवार के मुखिया को मारा गया था, यहाँ वो 4 लोग बहुत ज़्यादा सहम चुके थे। तब यहाँ कुछ लड़कों ने इन महिलाओं के कपड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो खुद उखाड़ते, यहाँ उन्होंने सामने से इन महिलाओं को ऑफर किया कि या तो तुम अपने आप अपने सारे कपड़े उतार दो, वरना हम उतारेंगे तो हम अपने तरीके से उतारेंगे। अब उनकी जान के ऊपर बनी हुई थी, सोच कर देखिए 1000 लोगों की भीड़ सामने खड़ी हो और बीच में ये सब कुछ चल रहा हो तो मरता क्या ना करता। यहाँ उनकी बात माननी पड़ी, उन 3 महिलाओं को सोच कर देखिए आप, जिनमें से एक की उम्र 20 साल की थी, एक की उम्र 40 की थी और एक अपनी 50s में थी। 50s बुढ़ापा ही आ जाता है, लेकिन उसको भी नहीं बख्शा गया, उसको भी कहा गया कि आप अपने कपड़े उतारिए, और मजबूरी में यहाँ 3 महिलाओं को कपड़े उतरवा कर उन्हें खड़ा किया गया। और साथ ही यहाँ पर अब देखिए आप, वो जो बेटा था इस घर का, वो भी उनके साथ था, उसको भी मार पिटाई करते हुए साथ में लेकर जा रहे थे। और तब यहाँ इन 3 महिलाओं की नग्न अवस्था में पूरे गांव के सामने, 1000 लोगों की भीड़ के सामने, मेरे ख्याल से एक महिला के लिए उसकी आबरू से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। मैं ये बात पक्का कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति खाए बिना रह लेगा, बोले बिना रह लेगा, पिए बिना रह लेगा, लेकिन इज्जत सबको चाहिए है, इज्जत सबको प्यारी होती है। और
ऐसे ही यहाँ इज्जत इस भाई को भी प्यारी थी, अपनी बहन की, अपनी माँ की। और जैसे ही ये लोग अब जो नग्न अवस्था में उसकी माँ को और उसकी बहन को इस तरीके से गाँव के बीच में घुमा रहे थे, यहाँ उस भाई ने विरोध करना शुरू किया और इस विरोध को और ज़्यादा भड़काने के लिए उन महिलाओं के ऊपर अब और ज़्यादा क्रुअल्टी दिखाने शुरू कर दी। वो सारे के सारे इनके ऊपर टूट पड़े, खास तौर पर उस 20 साल के बेचारी छोटी सी लड़की के ऊपर और उसके साथ हजारों की भीड़ जो कि सैकड़ों की भीड़ थी, उन सब में से पता नहीं कितने लोगों ने मिलकर, हाँ लेकिन हाँ ये बात पक्की है कि काफी सारे लोगों ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। सोच कर देखिए आप, सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने यहाँ एक बच्ची के साथ बलात्कार किया जा रहा था, वो भी अलग अलग लोगों द्वारा, जबकि उसका भाई साइड में बैठा बैठा देख ही सकता था बेचारा और कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही उसके अंदर का खून उबला, अब कोई भी भाई अपनी बहन को इस हालत में नहीं देख सकता, उसने भी विरोध करना शुरू किया और इस विरोध के रूप में इस भीड़ ने उसकी भी जान ले ली, उसको भी ऑन द स्पॉट मार दिया गया। सोच कर देखिए आप, इन तीन महिलाओं के अंदर अब कैसा डर बैठ चुका होगा, क्योंकि इस परिवार के दो पुरुष वो अभी तक मारे जा चुके थे। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। सबसे पहले वो जो 50s में महिला थी, वो तो किसी तरीके से अपने आप को इन सब की भीड़ से बचाकर साइड में से होकर अपनी जान बचा चुकी थी, लेकिन अभी भी दो महिलाएं इन सैकड़ों लोगों के जंजाल के बीच में फंसी हुई थी। उनको भी अपनी जान की फिक्र थी, उनको भी यहाँ पर मजबूरन वो जो कह रहे थे सामने वाले, उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ रहा था। जिसके बाद इन सैकड़ों लोगों की भीड़ ने उन दोनों महिलाओं को, बाकी दोनों बची हुई महिलाओं को उठाया, किसी तरीके से उनकी हिम्मत बंधाई, क्योंकि अब उनके पैर हाथ काम करना बंद कर चुके थे, वो पहले ही मार पिटाई से पीड़ित थे और बाद में उनके साथ गैंगरेप किया गया, ऑब्वियसली कहाँ ही हिम्मत बचेगी। खैर, जैसे तैसे उनको खड़ा किया गया और अब उनकी नग्न परेड करवाई जानी थी। पूरे गांव के अंदर उनकी ना सिर्फ परेड करवाई गई बल्कि वीडियोस तक बनाई गई, क्योंकि सभी के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद था और वो वीडियोस लोगों के मोबाइल में अब स्टोर हो चुकी थी कि देखो कितना बहादुरी का काम मैतई समुदाय के इन हजार के आसपास लोगों ने किया है। वो नग्न परेड करवाने के बाद वो दोनों महिलाएं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उस भीड़ से अलग हुई और उनको एक लोकल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। उन्होंने 0 FIR भी वहां पर कटवाई, बट 0 FIR आपको पता होगा वो होती है जो आप पूरे देश में, आपके साथ क्राइम कहीं भी हुआ हो लेकिन आप पूरे देश के अंदर कहीं भी आप उस जुर्म को रिपोर्ट कर सकते हैं और बाद में जिस इलाके में क्राइम हुआ हो वो केस वहां पर ट्रांसफर किया जाता है। और ऐसा ही उन दोनों महिलाओं ने अपने पूरे परिवार के साथ जो उनके हुआ, वो पूरा परिवार अब बिखर चुका था, उजड़ चुका था। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हुई कि इस रिपोर्ट के ऊपर कोई कार्यवाही की ही नहीं गई, सब कुछ चुप करवा दिया गया। मैं यहाँ पर विक्टिम्स का नाम लेना नहीं चाह रहा, बिल्कुल भी नहीं लूँगा, मैं उनकी जितने हो सके कि मेरी तरफ से मैं उनकी पहचान की प्राइवेसी बनाकर रखूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उनके फेस का, जिन्होंने उनके नाम का खुलेआम इस्तेमाल कर रखा है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा गलत है, जो कि आने वाले उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा गलत होगा। खैर, जैसे ही वो 0 FIR कटी, उसके अंदर पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पर पुलिस वाले हाथ खड़े कर चुके थे। क्यों हाथ खड़े कर चुके थे? जहाँ पर ये कांड हुआ था वहाँ पर जो पुलिस फोर्स तैनात है, वहाँ पर मैतई समाज के ही वो लोग हैं जो कि पुलिस फोर्स में भर्ती हो चुके थे, और मैतई समाज के लोग ऑब्वियसली अपने खिलाफ तो एक्शन नहीं लेंगे, इसीलिए वहाँ पर इस चीज़ को वहीं पर दबा दिया गया और ये केस धीरे 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 कर आराम से शांति पकड़ता गया। बेचारी वो जो विक्टिम्स थी, वो किस हालातों में हॉस्पिटल्स में रही, कैसे उनका इलाज हुआ, कैसे उन्होंने अपना दुख मनाया होगा, घर के दो ही पुरुष जो थे वही दोनों मारे गए इस हालातों में, कैसे वो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया होगा, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं, आप और मैं नहीं। दिन आया 19 जुलाई 2023 का। सोच कर देखिए, 4 मई को ये सारा कुछ हुआ, 4 जून गया, 4 जुलाई गया, 2.5 महीने बीत चुके थे। 2.5 महीने बाद अचानक से एक आर्टिकल इंटरनेट पर वायरल होने लगा रात के 9 बजे के आसपास कि ऐसा ऐसा कुछ 4 मई के दिन मणिपुर के अंदर हुआ था। और जैसे ये आर्टिकल वायरल होने लगा, तभी देश के अंदर आग सी लग गई। लेकिन अब तक आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतना टाइम क्यों लग गया इसको बाहर आने में, तो इस चीज के सबसे बड़े रीजन दो हैं। पहला रीजन, इंटरनेट वहां पर बंद किया जा चुका था। ऑब्वियसली ऐसे कामों के अंदर सरकार का सबसे पहला ये काम होता है कि इंटरनेट बंद करो ताकि अफवाहों को फैलाया ना जा सके। लेकिन आपको भी पता है कि अगर हम किसी जगह से इंटरनेट अगर बंद कर देते हैं तो वो जगह एक बंद डब्बा बनकर रह जाती है, उसके अंदर क्या हो रहा है पूरी दुनिया को कभी पता ही नहीं चलेगा, और अगर पता नहीं चलेगा तो उन तक मदद भी नहीं पहुँच पाएगी। खैर, दूसरा कारण जिसकी वजह से कांड बहुत लेट बाहर आया, वो थी हमारी मीडिया। इनका तो कहना ही क्या, इनको तो फुर्सत ही नहीं है फालतू की चीज़ें टेलीकास्ट करने से, कोई इनको मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनती ऐसी ऐसी चीज़ों की, ऐसी ऐसी न्यूज़ की। आप
उठा कर देखिए, आप कभी भी न्यूज़ चैनल खोल कर देखिए। मैं नहीं कहता कि 24 घंटे, लेकिन हाँ 24 घंटे जो अगर न्यूज़ चैनल लाइव चलता है उसमें से 20 से भी 22 घंटे कोई उसमें काम की खबर नहीं रहती, लिटरली कोई 1% भी काम की खबर नहीं होगी। ये लोग ऐसे हो चुके हैं कि सभी ने मिलकर हाँ हाँ बस इस टॉपिक के पीछे पड़ जाना है, देश के अंदर जो चल रहा है भाड़ में जाए वो, हमको तो बस TRP खानी है क्योंकि लोगों को ये टॉपिक देखने में मज़ा आ रहा है। अरे लोग बाकी के देश के बारे में भी जानना चाहते हैं, तुम वो भी तो दिखाओ, तुम्हारा काम है ग्राउंड रियलिटी को दुनिया तक पहुंचाना। तुम क्या पहुंचा रहे हो, सीमा ने आज क्या खाना खाया, सीमा ने डांस किया, सीमा ने रोमांटिकली अपने पति के लिए गाना गाया। बर्बाद हो चुका है ये पूरा का पूरा मीडिया सिस्टम। लेकिन अब क्या करें, ये जो ऊपर बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं ना, जो मीडिया वाले हैं, ये अपना बस टॉपिक तय कर लेते हैं कि हमें इस टाइम तक इस टॉपिक के पीछे पड़ा रहना है। पहले वो ज्योति मौर्या थी, मैं नहीं कहता कि उसने ठीक किया, बेशक उसने गलत किया अपने पति के साथ, लेकिन जैसे ही ज्योति मौर्या के ऊपर ये सीमा हैदर आई, वो ज्योति मौर्या दब गई। अब दूसरी कोई टॉपिक इनको मिलना चाहिए चटपटा सा, तभी तो इनकी TRP बढ़ेगी, लेकिन नहीं, अभी तो फिलहाल इनको अपनी शर्म बचाने के लिए जो कि बचे कुचे कपड़े इनके शरीर के ऊपर मौजूद हैं वो भी ना उतार ले जनता, इसको बचाए रखने के लिए इनको ये मणिपुर का टॉपिक छेड़ना पड़ेगा। छेड़ रखा है, अब ये काफ़ी टाइम से इसके पीछे पड़े हुए हैं, पता नहीं कब तक पीछे पड़ेंगे। और मेरे ख्याल से जब तक ये मीडिया स्ट्रीम लाइन में इन चीज़ों को नहीं दिखाएगी, तब तक ना ही सरकार के ऊपर, ना मैं नहीं कह रहा सिर्फ सेंटर के ऊपर, मैं ये कह रहा हूँ ना ही सेंटर सरकार के ऊपर, ना ही स्टेट सरकार के ऊपर ये दबाव पड़ेगा ही नहीं कि वहाँ जो चल रहा है उसका कोई सॉल्यूशन निकाले। क्योंकि जिन हालातों से ये चीज़ चल रही हैं, मेरे को नहीं लगता कि आने वाले कुछ और टाइम के लिए ये चीज़ रुकने वाली है। बहुत बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो चुके हैं वहाँ के, आपस में ही जो आपसी लोग हैं वो आपस में भिड़े हुए हैं। क्या सरकार चाहती है तो इन चीज़ों को रोक नहीं सकती, ऑब्वियसली उनका सिर्फ एक ऑर्डर का खेल है। जहां पर कश्मीर में आतंकवादियों को आर्मी ने रोका हुआ है, अच्छे तरीके से डांट कर रखा हुआ है, वहां तो उन कश्मीर जो लोग लोकल लोग हैं उन्हीं से उनकी दुश्मनी है। वहां पर कुछ पता नहीं होता कि कब कोई लोकल कश्मीरी आकर ही हमारी सेना उसके ऊपर हमला कर दे, कुछ आइडिया नहीं होता कौन आतंकवादी है कौन सच्चा भारतीय है। ऐसे इलाके में जब सरकार शांति बनाकर रख सकती है तो मणिपुर भी तो एक हमारा राज्य है, वहां तो सिर्फ हमें अपने लोगों से ही लड़ना है, जो अपने लोग आपस में लड़ रहे हैं उन्हीं को तो शांत करवाना है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं थी। वहां पर भी अगर आर्मी को डिप्लॉय किया जाता, यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। और ऊपर से CM साहब का जो बयान आया वो तो गजब ही था, लिटरली आप सभी ने सुना होगा, गजब का बयान था। उन्होंने कहा कि ये आप एक वीडियो की बात कर रहे हैं, ऐसी तो हजारों वीडियो होंगी, ऐसे तो हजारों केसेस होंगे, हम किस किस को देखें। खैर बाद में आते आते उनको महसूस हो गया कि उन्होंने शायद गलत बोल दिया है, और इस चीज़ के लिए उन्होंने अपना बयान बाद में पलट भी दिया, लेकिन जो बोला वो लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली ही बात थी जो उन्होंने बोला। इससे ये भी समझ आ रहा है कि सरकार से मणिपुर राज्य संभल नहीं रहा, या फिर वो संभालना नहीं चाह रहे, या फिर वो किसी दबाव में है। अब किसका दबाव है क्या है मुझे कुछ नहीं पता, ना ही मैं आपको बताना चाह रहा, आपको पता हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और मणिपुर राज्य के अंदर कैसे ये सारी चीज़ें सुलझ सकती हैं उसके बारे में भी ज़रूर जिक्र करें, क्योंकि वो हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, हम अपने ही परिवार के एक सदस्य को इस तरीके से दिक्कत में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मणिपुर राज्य हमारे पूरे देश के जो परिवार है, जो सभी स्टेट्स का परिवार है, उसमें एक मेंबर है। और हम सभी मेंबर्स की जिम्मेदारी है कि अगर एक परिवार का सदस्य बीमार है या फिर उसको कुछ दिक्कत है तो हम सभी मिलकर उसकी हेल्प करें। तो आप भी यहाँ हेल्प करिए कमेंट्स के अंदर ये डिस्कस करके कि आखिर ये सब कुछ कैसे सुलझ सकता है, या फिर आप मुझसे आकर मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज कोई शाउट आउट नहीं, आज कोई लाइक्स वाइक्स नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।